हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आज हम चैप्टर काठमांडू पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। द राइटर विक्रम सेठ केम फ्रॉम चाइना टू इंडिया हिचकिंग बाय तिब्बत एंड नेपाल एंड रोट अबाउट इट इन हिज बुक टाइटल्ड हेवन लेक। इन दिस एक्सपर्ट फ्रॉम द बुक वी गेट टू नो अबाउट द विजिट टू काठगोदाम द कैपिटल ऑफ नेपाल। काठमांडू समरी। काठमांडू इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विक्रम्स बुक हेवन लेक दैट डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस अबाउट हिज विजिट टू द सिटी कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल काठमांडू। दिस प्रोवाइड द इनसाइट्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ काठमांडू एंड हाउ ही फील्स अबाउट विजिटिंग द सिटी टू टेम्पल्स। One was Pasupatinath Temple and other was Buddhanath Temple. काठमांडू जो पुस्तक है वो मुख्य रूप से हेवन लेक जो विक्रम सेठ की बुक है वहाँ से ली गई है। इसमें उन्होंने नेपाल के दो प्रमुख मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर और बुद्धिस्ट टेम्पल की यात्रा की उसका वर्णन है। और इसके अलावा जो शहर है नेपाल में काठमांडू उस पूरे शहर का भी वर्णन किया है। हिंदू पिलग्रिमेज। पशुपतिनाथ टेम्पल इज पिलग्रिमेज फॉर द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट टेम्पल इज ए होली प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट। पशुपतिनाथ टेम्पल एंट्री वाज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द अदर रिलीजियस पर्सन, इट वाज ओनली फॉर हिंदूज। जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये केवल हिंदुओं के लिए है, दूसरे धर्म जातीय समुदाय के लोग इसमें नहीं जा सकते। और बुद्धिस्ट जो टेम्पल है ये बुद्धिस्ट लोगों का है, बहुत लोगों का है। सीन आउटसाइड द टेम्पल। टेम्पल के मंदिर के बाहर का दृश्य। आउटसाइड द टेम्पल देयर वाज ए क्लोज एज ब्रीड हॉकर्स डिवोटीज टूरिस्ट एंड वेरियस एनिमल्स मूव्ड अराउंड द राइटर एंड हिज फ्रेंड्स ऑफर्ड अ फ्यू फ्लावर्स इन द टेम्पल। There were used of pilgrims and they were helping each other in order to move ahead and reach the priest. ये मंदिर के बाहर का दृश्य बता रहे हैं कि वहाँ पर हॉकर्स हैं, डिवोटीज हैं, भक्त लोग हैं, टूरिस्ट हैं, तरह वेरियस एनिमल जानवर हैं और इसके अलावा वहाँ पर बांसुरी वाला है और भी बहुत से लोग हैं, फूल वाला है। The Temple of Pasupatinath. Fighting of two monkeys. Then he saw two monkeys fighting and one chased the other, jump onto its sibling and run around the temple and finally reached the banks of the holy Bhagmati river which flows next to the temple. दो बंदर हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। एक उसमें से शिवलिंग के ऊपर कूदता है और वहाँ से होते हुए बाद में नदी के किनारे जाकर विच फॉलोज नेक्स्ट टू द टेम्पल, जो टेम्पल के नेक्स्ट आगे जो नदी है उस भागीमती उधर वो चला जाता है। रिवर पॉल्यूशन। जो राइटर है विक्रम सेठ वो यहाँ पर रिवर पॉल्यूटेड क्यों है उसके बारे में भी चिंता कर रहे हैं और उसका रीजन बता रहे हैं। देयर इज योर डेड बॉडी बींग सबमिटेड वाशरमैन वॉशिंग क्लॉथ्स एंड चिल्ड्रन बाथिंग इन द रिवर। राइटर नोटिस्ड हाउ द रिवर वॉज बींग पोल्यूटेड विद ए बास्केट ऑफ ड्राई वेदर। फ्लावर्स वर थ्रोन इन टू ईट फ्रॉम द बालकनी ऑफ ए बिल्डिंग अ स्मॉल टेम्पल प्राउटेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द रिवर बैंक। क्या कह रहे हैं, डेड बॉडीज हैं जो क्रियाक्रम होते हैं नदी के किनारे वो रहे हैं, लोग कपड़े धो रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, ये सब एक रिवर पोल्यूशन का रीजन हो सकता है। लोग फूल जो सूखे हुए हैं वो उसके अंदर चढ़ा रहे हैं, अर्पित करने हैं। इसके अलावा अ स्मॉल टेम्पल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द रिवर बैंक। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म वहाँ से निकला और ऐसा माना जा रहा है जिस दिन पूरी तरह बाहर निकल जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। बुद्धनाथ स्तूप। बुद्धनाथ स्तूपा अ होली प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट एट द बुद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। जो बुद्धिस्ट टेम्पल है अगर हम उसकी तुलना पशुपतिनाथ मंदिर से करते हैं तो पशुपतिनाथ के मंदिर के बाहर हॉकर्स हैं, डिवोटीज हैं, फ्लूट सेलर्स हैं,
वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स हैं वहाँ पे, शोर शराबा है, लेकिन बुद्धिस्ट टेम्पल में बिल्कुल कामनेस है, शांति है, किसी तरह की कोई आवाज नहीं है। तिब्बतन मार्केट, द प्लेस वॉज क्वाइट एंड काम, देर वॉज ए ट्रिप तिब्बतन मार्केट आउटसाइड द टेम्पल बट तिब्बतन रिफ्यूजीज हु सेलिंग बैग्स गारमेंट्स एंड ज्वेलरी काठमांडू वॉज अ वेराइटी ऑफ थिंग्स टू ऑफर। तिब्बतन मार्केट है जो मंदिर के बाहर, वहाँ पे जो रिफ्यूजीज हैं, रिफ्यूजीज वो होते हैं जो एक देश से जाकर दूसरे देश से बच जाते हैं, वो लोग अपना जो उनका पारंपरिक चीज़ें हैं वो बेच रहे हैं, जैसे उनके बैग्स गारमेंट्स ज्वेलरी। आपने देखा होगा आपके शहर में या भारत के अलग अलग हिस्सों में तिब्बतन मार्केट पाई जाती है, वेराइटी ऑफ थिंग्स, अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो वो वहाँ पर बेच रहे हैं। माइथोलॉजिकल बिलीफ, इट्स लिव दैट वैन द टेम्पल वुड इमर्ज द कम्प्लीटली देन द गॉडेस इन ए वुड कम आउट एंड द टेम्पल पीरियड ऑफ द कलयुग द सी एंड इट बाय द सीन एट द टेम्पल वॉज अपोजिट टू द पशुपतिनाथ टेम्पल इट वॉज यूज वाइट कलर डॉन सराउंडेड बाय ए आउटर रोड। ये माना जाता है जिस दिन ये जो चबूतरा भाग की तरफ निकला है पूरा आ जाएगा बाहर, तो जो कलयुग की शुरुआत होगी उसके बाद इस सब चीज़ें ये नष्ट हो जाएंगे। मांडू, इट इज़ ए रिलीजियस प्लेस, इट इज़ ए बिजनेस हब एंड अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, देयर आर शॉप ऑफ सेलिंग पोस्ट कार्ड्स चॉकलेट्स इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स कैमरा फिल्म रोल एंड यूटेंसिल्स। यहाँ पर तरह तरह की दुकानें जहाँ ये सब सामान मिलता है, पोस्ट कार्ड चॉकलेट्स इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक फिल्म रोल्स बर्तन। सॉन्ग्स कुड बी हेयर इन द स्टेट बाय द म्यूजिक प्लेइंग आउट ऑफ द रेडियो हॉकी ऑफ द कार हॉर्न्स रिंगिंग ऑफ द बाइसिकल बेस्ट मूव साउंड ऑफ द काउज एज द एक्सट्रैक्टेड एंड मोटरसाइकिल पासिंग बाय द स्क्रीमिंग ऑफ सेलिंग वेंडर्स। जो सामान बेच रहे हैं उनका उनकी आवाज़, मोटरसाइकिल की आवाज़, कार्स की आवाज़, रेडियो जोर जोर से बज रहा है, कार के हॉर्न्स बज रहे हैं, ये सब आवाज़ें बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली हैं वहाँ पे। फ्लूट, राइटर गॉट अट्रैक्टेड टू द म्यूजिक ऑफ फ्लूट द साउंड ऑफ अ फ्यू दिसंबर वॉइस एज इट इज प्लेड बाय एग्जेक्टिंग द ब्रीथ एंड इट्स म्यूजिक आल्सो कॉज व्हेन ए पर्सन इन ए सेपरेट फ्लूट आर प्लेड इन द many regions of the world and are vary in appears name and music that the produce। जो राइटर है वो फ्लूट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसका म्यूजिक है लगभग लगभग विश्व के हर कोने में फ्लूट बजाई जाती है, तरीका या ट्यूनिंग थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन ये सब जगह बहुत लोकप्रिय है। बस एंड ट्रेन जर्नी, author planned to have a boat ride up to the Ganga river till Allahabad, it would be followed by a boat journey on the Yamuna river to Delhi। usse socha ki wo boat ride karke jate hain Allahabad se hote hue Delhi tak। he gave up the adventurous trip and decided to take a flight। conclusion of the story, according to the Vikram Seth, we must all try and maintain the purity and serenity of the holy places and practice thoughtful actions। द होली प्लेसेज शुड बी काम। लेखक इसमें क्या कहता है, जो हमारे जितने भी होली प्लेसेज हैं, पवित्र स्थल हैं, वो साफ सुथरे होने चाहिए, उनकी पवित्रता का ध्यान में रखना चाहिए और इसके साथ साथ वो बिल्कुल शांत होने चाहिए, जैसा कि बुद्धिस्ट टेम्पल में था। यू एंड योर सजेशंस आर वैल्यूएबल, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़।